हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। ये देखिए, मैंने चार बैंगन रखे हुए हैं आपके सामने। आप दो बनाएं, एक बनाएं, जैसे कि आपकी स्थिति हो, आप जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। इनको गैस के ऊपर रोस्ट करना है। देखिए, रोस्ट हुए बैंगन आपके सामने रखे हैं। एक का तो छिलका मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ। बहुत ध्यान रखें, उसको रोस्ट करने से पहले यानी कि भूनने से पहले बीच में कट लगा के देख ले। कई बार बैंगन के अंदर कीड़ा भी होता है, और कोशिश ये करें बिल्कुल साफ और जी बिना छेद वाले, बिना कोई मार्क वाले आप बैंगन खरीदें, तो उन बैंगन में आपको ये वाली दिक्कत महसूस नहीं होगी। दोनों बैंगनों को छील दीजिएगा, रोस्ट करके उनका पील कर दीजिएगा ऊपर से। अब हम तैयारी करते हैं मसालों की। अच्छे से प्याज, जैसे मैंने ये पांच प्याज ली हुई है दो बैंगन के भरते बनाने के लिए, और आप भी इतने ही प्याज लीजिएगा। ये मीडियम साइज के प्याज हैं, और इनको छील के काट के रख लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम सारी पीलिंग उतार लेंगे बैंगन की, तुरंत हम इनको थोड़ा सा जहाँ पर हमने चीरा लगाया हुआ था वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसको चेक कर लीजिएगा, जिससे अंदर कोई भी, वैसे तो वो पहले ही कर लीजिएगा, जिससे भूनने से पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और भूनते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि बैंगन हर तरफ से अच्छी तरह से भुना हुआ होना चाहिए। टोटल जो पर्पल कलर की उसकी पपड़ी होती है वो ऑलमोस्ट डार्क कलर की हो जाएगी, यानी कि कुछ ब्लैक हो जाएगी। आपको एकदम उसकी रोस्टिंग की खुशबू आएगी, बहुत ही सुंदर। आप इस तरह से रोस्ट करके उसके हेड को काट दीजिएगा पहले ही, और प्याज को इस तरह से काटिएगा, लंबे लंबे छिलके, पतले पतले छिलके। ये देखिए, मैंने जहाँ कट लगाया हुआ था मैंने दोबारा से उनको खोल के आपको दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके बैंगन अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। रोस्ट करने का मतलब भुनना होता है, जैसे अच्छे से भुन जाए। अब हम कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप जितना तेल ऑयल यूज़ करते हो, अब जैसे दो बैंगन है और हमने पांच प्याज ली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। उसकी खुशबू और उसका जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही लाजवाब आता है। तो आप कढ़ाई में जब आप सरसों का तेल डालें, ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें बिल्कुल भाप आने दीजिएगा। जीरा डालें, मसालेदानी साथ में रखें, इसमें मसाले भी पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान देंगे जीरा ब्राउन होना चाहिए। उसके बाद तुरंत काला मत कीजिएगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर हो जाए उसका, जैसे कहते हैं गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आप प्याज को डालें और थोड़ा भूनना है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन, मतलब बस थोड़ा सा, दो तीन बार स्पैचुला से आप उसको चलाइए। और उसके बाद अच्छे से ये देखें कि आपका सारा प्याज खुल जाना चाहिए। जैसे कि हम काटते हैं ना, तो वो मोटे मोटे पीसेस में होता है, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो वो एक एक प्याज का पीस अलग अलग हो जाएगा। जब आप कढ़ाई में उसको चलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। एक तरह से ये कढ़ाई में हमने भूना है, इसको रोस्ट नहीं कहेंगे। रोस्ट तो वो होता है जिसमें तेल नहीं होता है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। अब आप ऐसा करें, मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना हुआ है, और मैंने लहसुन और टमाटर का भी पेस्ट बना के रखा हुआ है। वो दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप डायरेक्ट टमाटर डाल सकते हैं, और साथ ही जिंजर गार्लिक अलग से कूट के, कद्दूकस करके या मिक्सी में ग्राइंड करके। मैं थोड़ा सा ये मसाला भून के पहले ही बना के पहले ही रखा हुआ है, जिससे मैं इसमें दोनों तरह का मसाला डाल रही हूँ। और ये टमाटो का है, इसमें सारे मसाले डले हुए हैं, नमक, मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, अपने स्वाद अनुसार आप सब इसमें डालें। और तो फिर दोबारा से प्याज को अच्छे से ब्राउन करें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन करना है। आप ये देख रहे होंगे इसका कलर किस तरह से आपको दिख रहा है। ये मेरा जिंजर गार्लिक वाला पेस्ट है, इसको मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, और मेरे पास जैसी सुविधा होती है मैं उस हिसाब से अपनी सभी सब्जियों में इसको डाल देती हूँ। आप ताज़े ताज़े पीस लीजिएगा, या कद्दूकस में आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, फ्लेवर बढ़ जाएगा। इससे आपने इसके बाद जब अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, थोड़ा जिंदा जिंदा रहने देना है। आपके जो वो भुने हुए वो थे बैंगन, आप उनको रोस्टेड बैंगन को स्पैचुला की मदद से आप कढ़ाई में ही अच्छे से मैशअप कर लीजिएगा, और इसके बाद थोड़ी देर आप उसे चलाइएगा, और हमारा मसाला तैयार। एक तरह से बैंगन का भुर्ता बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है इसमें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भुने हुए हैं। और प्याज को हमने ज़्यादा इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि मेरे को और हमारे घर में सभी को थोड़ा थोड़ा खुला खुला यानी कि चबाने वाली प्याज पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, पका हुआ तो होना चाहिए, फ्लेवर आता है अच्छा। ये देखिए, आपका सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और जैसे ही
ये तैयार हो जाती है। आप इसको प्लेट पे सर्व कर सकते हैं, अलग से चाहे अलग से सर्व करें, और पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी तरह से इसको सर्व कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।